महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, बावजूद इसके आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और छेड़खानी जैसे मामले सामने आते ही रहते हैं। ऐसे मामले तब सामने आते हैं जब महिलाएं या तो अकेली होती हैं या वो किसी असुरक्षित स्थान पर होती हैं। अब महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। बागेश्वर के खूनहार बेटे ने ऐसा पर्स बनाया है जिसे महिलाएं कहीं भी जाएं मुसीबत पड़ने पर घर वालों को सूचना पहुंचाएगी। बस पर्स आपके पास होना चाहिए। बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्र बजूला के 12वीं के छात्र रोहित परिहार ने एक ऐसा पर्स बनाया है जो लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रोहित के स्मार्ट डिवाइस को इंटरनेशनल वर्चुअल इनोवेशन प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। इस प्रतियोगिता में रोहित ने पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया था। मलेशिया में प्रतियोगिता आयोजित हुई है। मेट्रो सिटी हो या फिर छोटे कस्बे, आज भी घर वाले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर कोई महिला थोड़ा भी असहज और असुरक्षित महसूस करती है तो वो तुरंत पर्स पर लगे बटन को दबा सकती है। ऐसे में स्पाई कैमरा, इमरजेंसी ऑटोमेटिक कॉलिंग, जीपीएस नेविगेशन जैसे फीचर से लैस इस पर्स से महिला के परिजनों और आसपास के पुलिस थानों में ऑटोमेटिक कॉल चली जाएगी। इसके अलावा पर्स में लगा कैमरा सारी सिचुएशन को रिकॉर्ड कर देगा जिससे मदद के लिए तुरंत पुलिस पहुंच जाएगी। रोहित के इस नवाचार ने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। वर्तमान में रोहित कक्षा 12वीं कॉमर्स का विद्यार्थी है और उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज ब्यूजला गरुड़ में पढ़ रहे हैं। बताते चले कि रोहित अभी 17 वर्ष के हैं और रोहित ने इससे पहले कई और आविष्कार किए हैं। इंटरनेशनल वर्चुअल इनोवेशन में शानदार प्रदर्शन कर पहाड़ के साथ ही बागेश्वर का नाम रोशन करने वाले होनहार छात्र रोहित परिहार की उपलब्धि से स्कूल के प्रिंसिपल दीपक आर्या भी गदगद हैं।